राजस्थान प्रशासन सेवा परीक्षा के इंटरव्यू में अपने दो रिश्तेदारों को मिले समान नंबरों को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भले ही अपनी सफाई दे चुके हों, लेकिन यह मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि अजमेर निगम के पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायाधीश के सामने एक फौजदारी परिवाद दायर किया है, जिसमें राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के संबंधी चूरू शिक्षा जिला अधिकारी और बेटी को आरोपी बनाया गया है। वहीं पार्षद ने कहा कि अपने पद का गलत फायदा उठाकर शिक्षा मंत्री ने अपने बेटे बहू और उसके रिश्तेदारों का RAS में चयन करवाकर योग्य अभ्यर्थियों की योग्यता की धज्जियां उड़ाई हैं। देवेंद्र ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने भ्रष्टाचार और मिलीभगत कर पद का गलत उपयोग किया है, इसकी सटीक जांच कराई जानी चाहिए। जैसा कि आप सबको विदित है, 2018 के अंदर RAS की परीक्षा विज्ञप्ति के अनुसार हुई, उसका निर्णय जो रिजल्ट है वो 2021 के अंदर अभी जुलाई में आया था, और उसके अंदर उसके बाद से इस परिणाम को लेकर विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों के आरोप लगे। पहले तो RPSC मेंबर्स पे लगे, उसके पश्चात एक नवीनतम राज्य सरकार का एक बड़े नेता का एक घोटाला सामने, मतलब भ्रष्टाचार सामने आया, उसके तहत विभिन्न मतलब चयन प्रक्रिया के प्रथम मतलब एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर रिजल्ट तक जिसके अंदर भ्रष्टाचार है। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मतलब आप देखें कि जिस प्रकार से मंत्री ने अपने या मंत्री का पद का उपयोग करके उनके रिश्तेदार ने, उनके संबंधी ने जिस प्रकार से OBC का सर्टिफिकेट बनाया, जो कि ग्रेड वन ऑफिसर 32 साल 3 महीने और 3 दिन की उम्र में ग्रेड वन ऑफिसर बन गए थे।